हेलो फ्रेंड्स, आज हम कप पिज़्ज़ा बनाएंगे। उसके लिए हमने बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची, स्वीट कॉर्न उबले हुए और चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स और दो चुटकी काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, सॉस और मेयोनीज और ये ब्रेड ली हमने और चीज़ लेंगे। कॉर्न लेंगे, शिमला मिर्च, टोमेटो, चिली फ्लेक्स, काली मिर्ची, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पिज़्ज़ा की टॉपिंग बनकर तैयार हो गई। अगर आप तीखा खाते हो तो आप इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। ब्रेड लेंगे, उसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग कर दी, उसको हम बेल देंगे पतला। इसी तरह हम सारी ब्रेड बेल देंगे। हमने सारी बेल कर तैयार कर दी है, अब हम इसको काटेंगे। इसको ध्यान से काटना, ये इतनी सी बस इस आधी से ज़्यादा नहीं कटनी चाहिए। ये इसी तरह हम सारी काट देंगे। कटिंग कर ली इतनी सी सिर्फ। अब हम इसके ऊपर ये टमाटर सॉस और जो हमने मेयोनीज बना रखी थी उसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार है। अब हमने जो ब्रेड कटिंग करके रख रखी थी उस पर हम इनको इसको फैला देंगे पिज़्ज़ा सॉस को। अच्छे से हमने पिज़्ज़ा सॉस फैला दिया है। अब हम मिक्स हर्ब्स इस पर फैला देंगे थोड़ी थोड़ी। हमने इसमें बटर लगा के गरम रख दिया था पहले ही। अब हम इसमें ब्रेड रखेंगे। ब्रेड का जो हमने कटिंग कर रखा है हिस्सा, उसको ऐसे कटोरी की शेप दे देंगे बाउल्स की, और इसके अंदर रख देंगे इसको। सारी कटोरियां इसमें रख दी है कप्स। अब हम इसमें एक एक चम्मच पिज्जा टॉपिंग डालेंगे। चीज़ के पीसेस रख देंगे। अब हम इस पे सब पे मिक्स हर्ब्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स, और इसको ढक के पकने तक पकाएंगे। अब इसको हम चीज मेल्ट होने तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। खोल के देखेंगे ढक्कन हटा के, अच्छे से मेल्ट हो गई है चीज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे प्लीज। लाइक, शेयर और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो निकाल देंगे एकदम। हमारी कटोरी अच्छे से बनकर तैयार है कप। इसी तरह हम सारे कप बना के निकाल देंगे।